और अपनी जान बनाए अभी तशरीफ लाइएगा फ्री चिकन मेला नामपल्ली चिकन मार्केट और हैदराबाद सिकंदराबाद चिकन ट्रेड एसोसिएशन की सैकड़ों मानिकान आपका इस्तकबाल करते हैं। फ्री चिकन मेले में खूब खाइए सुबह दोपहर शाम चिकन और चिकन के अंडे। अभी कुछ देर में जाफर हुसैन मिराज खान साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट की जाफर हुसैन मिराज साहब और खुसूसी मेहमान तशरीफ जाने वाले अलमारी भर के चिकन देंगे पहले हटा लीजिए स्नेहा फ्रेश चिकन के राम रेड्डी साहब वेंकट रेड्डी साहब वासु भाई और सभी रेस्पॉन्सिबल लोगों का चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब आवाम की बेचैनियों को दूर करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जारी करदा मेडिकल सर्टिफिकेट पकी भाई जी पकी साहब सर्टिफिकेट शूट करके आवाम में अवेयरनेस फैलाई। मीडिया वालों से गुजारिश है इस सर्टिफिकेट को शूट कीजिए और सारे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के सभी मेंबर से गुजारिश है बराए करम इस सर्टिफिकेट को आप शूट करने के बाद आप चैनल पर जरूर बताइएगा बिना झिझक के आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी बच्चे चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप भी चिकन कर सकते हैं। श्री राम रेड्डी साहब का स्वागत है श्री चिकन के चेयरमैन श्री राम रेड्डी साहब ये ऐलान करते हैं कि बिना खौफ आज के बाद चिकन का इस्तेमाल कीजिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दिया गया सर्टिफिकेट राम रेड्डी साहब अपने हाथ ही कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और हर छोटी बड़ी तकलीफ के लिए अब आप इत्मीनान के साथ आराम से चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन के साथ ये इत्तला देते हैं कि आप अपने अपनों के साथ बिना किसी खौफ के आराम से चिकन का इस्तेमाल करें अंडों को खाएं और अपनी भाई सईद खान साहब आपसे गुजारिश करते हैं अपने कीमती सामान की जरूर हिफाजत कीजिएगा चिकन खाने के शौक में आप मसरूफ रहेंगे और लोग आपका इंतजार करते हैं। थ्री स्टार होटल मक्के शरीफ में फोर स्टार होटल मदीने शरीफ में डायरेक्ट फ्लाइट पुरसुकून क़ियाम 500 मीटर और मदीने के लिए अब आप इत्मीनान के साथ आराम से चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन के साथ अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सकते हैं। अक्सर खान की जानिब से आप सबको ऐलान स्टेज खाली कर दीजिए।
स्टेज खाली कर दी गई है। गाजी भाई की तरफ से जरूरी है लगता है स्टेज खाली कर दी गई है। अल्लाह का नाम लेकर चिकन का मजा लीजिए। बिस्मिल्लाह राम रेड्डी साहब जाफर हुसैन मेरा साथ आप चिकन खाते हुए कल टीआरएस के चेयर में 70,000 बर्तन चिकन दिया जाएगा। संतरी से मंत्री तक चिकन लेके आगे बढ़ती जाइए। सबसे मेहरबानी से चिकन हम देंगे रोटी आप लीजिए। अतीश भाई चिकन हम देंगे रोटी आप लीजिए। रुमाली रोटी के लिए आलमीन में आई है लाइन बना लीजिए। बच्चों की मौका दीजिए। जाकर अपने हाथों से आवाज दो तो चिकन तंदूरी पाते हैं। नामपल्ली मार्केट की जानब से 20 क्विंटल चिकन तंदूरी फ्री दिया जाएगा। एके न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से आप सबको मिलेगा, आप सबसे मिलेगा 20 क्विंटल चिकन एक के बाद एक लेकर आगे बढ़िए। आप सबसे मिलेगा। आप आराम से देने के बाद दोबारा पूरा ही नहीं मरतबा तीन मरतबा खाइए लेकिन दूसरों को मौका दीजिए। पहले लेडीज को दे दीजिए। दोनों का एहतराम करते हुए पहले लेडीज को दे दीजिए। अच्छा चिकन खाने के बाद आपका हाथ दोस्तों की शर्ट को मत लगाइए। हल्लू खाने पे आप रखिए हाथ को चुने चुने और ये मेरा हाथ देखिए मेरे लेफ्ट में पीने का पानी है। इस तरह पीने का पानी है। चिकन खाने के बाद चिकन यहाँ से लीजिए। अलमीन से रुमाली रोटी लीजिए मगर वापस टोकन लेना पड़ेगा। यहाँ चिकन फ्री है वहाँ अलमीन पे रोटी फ्री और रॉयल फूड कोर्ट को पानी फ्री। सरदार भाई की जानी चाहिए अरे आदिल दो दिन लगभग जी अरे हमारे भाई गनमन गुरु जो इधर
इस्तेमाल कर सकते हो और चिकन के साथ अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सकते हो। मार्केट के तमाम जो व्यापारियाँ है थोड़ा नीचे हमारे राम रेड्डी साहब पोल्ट्री वालों के साथ में मिल के एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से चिकन मेला रखा गया है रामपल्ली चौरस्ते में। चूँकि आज बर्ड फ्लू की तरफ से लोगों में एक किस्म का खौफ और हैबत है, मगर मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं ये जानता हूँ कि इंडियन जो फूड होता है जो कुकिंग सिस्टम है वो इतना हॉट रहता मोर देन 60 डिग्री के ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरिया रहता तो कभी भी जल जाता है, मगर यहाँ का जो सिस्टम है मोर देन 200 डिग्री के ऊपर यहाँ पे कुकिंग होती है। ऐसी कुकिंग जैसा कि मसलन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो हाफ बॉइल्ड किया जाता है जो कोल्ड चिकन या कोल्ड फिश इस टाइप की कुकिंग के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया रहा तो होता है, मगर जो हैदराबाद में कुकिंग होती है मैं समझता हूँ इसमें बैक्टीरिया क्या बैक्टीरिया की पूरी फैमिली भी अगर आ गई तो किधर की हो जाती है पूरी फैमिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो दौर में बर्ड फ्लू बोल के जो चिकन का रेट गिरा है इसका फ़ायदा उठाते हुए मैक्सिमम चिकन कंजम्पशन करते हुए ये बताइए कि हम लोग कभी भी ये सब चीज़ों से खौफ खाते नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे मजहब के अंदर चिकन को हलाल करार दिया गया है तो अल्लाह ताला ने जैसे ही हलाल होता है उसकी तमाम बीमारियों को ख़त्म कर देता है। उम्मीद है अल्लाह ताला ने जो अभी बर्ड फ्लू के नाम के ऊपर जो लोगों में दहशत रखी है और इसको जल्द से जल्द डर निकलना चाहिए और हम लोग फिर वापस चिकन का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अगर आज चिकन के फार्म्स बंद हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में जब हमको चिकन खाने का महसूस होगा तो हमको मोर देन 300 रुपीज़ के जी चिकन खरीदना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए चिकन ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी किस्म की बीमारी या तकलीफ है। शुक्रिया भाई। तो यार आज दुबई आज इधर चिकन चिकेन मेला इकड़ ఎందుకు పెట్టామంటే చిన్న పిల్లలు కూడా మీ ముందల చికెన్ తిని ఏమి కాదు ఈ బ్యాక్టీరియా దీంట్లో లేదు అని ప్రూవ్ చేయడానికే నాంపల్లి మార్కెట్ ట్రేడర్స్ అందరు కలిసి మన ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా తీసుకొచ్చి ఈరోజు లక్షల మంది ఎమ్మెల్యే మీద భరోసాతోని నమ్మకంతో తినాలి అనే ఉద్దేశంతో రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది. ఎనిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సర్టిఫికెట్ కూడా ఇచ్చారు. ఏమీ కాదు చికెన్ ఎక్కడో ఒక ఫామ్లో బర్డ్ ఫ్లూ ఉందని మొత్తం ప్రపంచం అంతా తినకుండా ఉంటే మనకు నష్టం. మంచి ప్రోటీన్ ఈరోజు 120 రూపాయల కిలో చికెన్ దొరుకుతుంది, 500 రూపాయలు మటన్ అది ఒకరోజు మనం తింటే 2 రోజులు కూడా అరగదు మటన్. అటువంటి మనం ఇంత మంచి ప్రోటీన్ వదిలిపెట్టి దీని మీద అనుమానం పెట్టుకోకూడదని ఈరోజు ప్రూవ్ చేయడానికి ఈరోజు చికెన్ మేళ పెట్టాము. అందుకోసం మీరందరూ మీ ముందల మేము మా పిల్లలము అందరం తిని చూపిస్తున్నాము, మీరు కూడా బ్రహ్మాండంగా తినండి, ఎవ్వరికి ఏమీ కాదు. రేపు టిఆర్ఎస్ ప్లీనరీలో 7000 కిలోస్ చికెన్ తర్వాత 40,000 ఎగ్స్ వాళ్ళు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి ప్రతి ఒక్కరు తింటున్నారు. కావాలంటే రేపు టీవీలో మీరే చూడండి. ఒకవేళ అటువంటి ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటే మనకు వాళ్ళు అయితే తినరు కదా మీరు, అందుకని నా అపనమ్మకం తీసేయండి, హ్యాపీగా తినండి. అయాద్నగర్ పరిధిలోని కిలోమీటర్ అయాద్నగర్ కిలోమీటర్ పరిధిలోని ఫార్మ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక్క ఫామ్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది. 24 గంటలలో ఆ ఫామ్ ఖాళీ చేశారు గవర్నమెంట్. చాలా ఫాస్ట్ యాక్షన్, ఇండియాలో ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంత ఫాస్ట్గా యాక్షన్ తీసుకోలేదు. టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పౌల్ట్రీని రక్షించడం కోసం 24 గంటల్లో ప్రాబ్లం వచ్చిన బర్డ్స్ను మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసిండ్రు.
ఫార్మర్ కు కంపెన్సేషన్ ఇచ్చేసిండ్రు అందుకని ఇప్పుడు ఉన్న ఏ బర్డ్ లో ప్రాబ్లం లేదు హ్యాపీగా తినొచ్చు इसका नाम स्टार्टिंग में आडी था उसके बाद में इस बीमारी का नाम सियाडी हुआ उसके बाद में इस बीमारी का नाम गंभोरा हुआ अब इसका नाम बटपुलो है ये बीमारी कुछ भी नहीं है ये मुर्गिया में शुरू से आती है और शुरू से देसी की मुर्गी जो होती थी उसके अंदर भी ये बीमारी थी ये बीमारी से पब्लिक को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता हमारे पास जो हलाल करने का तरीका है वो सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि इंसान हो या जानवर हो उसका खून ही उसमें डिसीज होती है और हम हलाल करते हैं तो डिसीज पूरे बाहर चले जाते हैं उसके उसमें डिसीज कोई बखायम नहीं रहती इसीलिए उसके हलाल किया जाता है हलाल गोश्त हर वक्त जायज़ है और उसके अंदर किसी किस्म की बीमारी नहीं होती ये आज से नहीं हज़ारों साल से इसका यही सिस्टम है आवाम से हम ये भी अपील करते हैं कि वो किसी किस्म के शक में या किसी में नहीं रहे और ये मुर्गी अंडे का इस्तेमाल आसानी से करते रहे शुक्रिया हाँ मोहम्मद जियाउद्दीन है तकरीबन मैं इसमें 28 साल से मेरी सर्विस 28 साल है पोल्ट्री में 28 साल से मैं देख रहा हूँ ये बर्ड फ्लू ये तकरीबन ये 2007 में एक बार आया था एक फार्म में आया था उसका इतना प्रोपेगेंडा हुआ कि लोगों के दिल में दहशत बढ़ गई और उसको खाना बंद कर दिए मैं आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो मुर्गी खा के अंडा खा के बीमार हुआ या मर गया बल्कि आज तक ऐसा अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपके सामने आज बैठा नहीं रहता था सर लिहाजा पब्लिक को चाहिए कि इससे डरे नहीं ये सिर्फ मुर्गियों की बीमारी है इंसानों की बीमारी नहीं है मुर्गियों से कोई बीमारी इंसान को नहीं आती और जो अपन जो भगवान का जो टेम्परेचर रख रहे हैं 70 डिग्री के ऊपर के रहता हूँ उसके ऊपर रहता 150 डिग्री रहता उसके इसका वायरस है भी तो मर जाता लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि चिकन खाइए और खिलाइए जिससे कोई डरने की खौफ करने की जरूरत नहीं है मुर्गियों पर बता रहे सर नीचे के लिए पूरा हिस्सा खराब रह रहा नहीं नहीं वो ऐसा कुछ वो बर्ड बर्ड फ्लू नहीं है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो दूसरे बीमारियों में आता है जाली में रखने से उसको जख्मी होने से आ रहा है वो ऐसा बीमारी की अलामत नहीं है जी जी ओके